नवी मुंबई नेटवर्क। एमआईडीसी के भूखंड की खरीद फरोख के मामले में गोठिवली गांव के ग्रामस्थ तुलसीदास पाटिल ने मानहानि का मुकदमा दाखिल करने की चेतावनी दी है। दरअसल एमआईडीसी प्रकरणग्रस्त स्वर्गीय रामचंद्र पाटिल के नाम पर मंजूर भूखंड उनके बेटे हरिश्चंद्र पाटिल ने भूखंड के लिए किए गए अर्जानुसार रबाली एमआईडीसी पीएपी R5 के यहाँ उन्हें भूखंड का वितरण किया गया। लाभार्थी हरिश्चंद्र पाटिल ने तुलसीदास पाटिल के साथ भूखंड का व्यवहार किया और तत्पश्चात तुलसीदास पाटिल ने भूखंड घनसोली के प्रहलाद महात्रे को बेचा। मगर अब हरिश्चंद्र पाटिल के परिजनों ने एमआईडीसी अधिकारियों को फंसाने का आरोप लगाते हुए उपोषण कर तुलसीदास पाटिल को बदनाम करने का उन पर आरोप लगाया जा रहा है और इसीलिए अब उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दाखिल करने की चेतावनी तुलसीदास पाटिल ने दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मिनट वर्क।